कोटा का केस था ही, लगभग सभी को पता ही है, बच्चों को भी पता है। आ जाइए सर, बाहर आ जाइए, आप तो अंदर ही छुपे हो सर। इतना मायूस क्यों हो आप? वीडियो में उतने अच्छे नहीं दिखते, बट सर आपको ऑफलाइन कुछ ज्यादा ही स्मार्ट दिख रहा आप ना सर ने एकदम नई कटिंग भी कराई है। सर कहीं ऐसा नहीं संकल्प भारत को लेके बिजनेस प्लान हो? वो तो बस पढ़ा तो सर आप हर जगह थे। सर एक चीज आपने बोला रैंक बनाएंगे, तो क्या आप रैंक बनाने के लिए पढ़ाएंगे या फिर एवरेज बच्चों को सिलेक्शन करेंगे? कोटा सर जैसा कि सबको पता है नीट और जेईई प्रिपरेशन का एक हब माना जाता है, सर संकल्प भारत का क्या प्लान है कोटा को लेके? हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको संकल्प भारत की पूरी टीम से, और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे संकल्प भारत आपके लिए क्या क्या नया लाने वाला है और क्यों संकल्प भारत आया, क्या नीड था संकल्प भारत आने का, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे होंगे सर के साथ। और एक चीज़ और मैं आप डिस्कस करूँगा सर के साथ, क्या क्या नया प्लान आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, क्या हेल्प होने वाली है आप लोगों को नीट और जेईई की पूरी जर्नी में। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ सर लोगों से। हेलो सर। तो गाइज ये है संकल्प भारत की पूरी टीम, और एक एक करके मैं सर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सर सबसे पहले आपको लाइव देख के इतने दिनों बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आप यहाँ आए बच्चों की, मतलब हम लोगों की बात बच्चों तक पहुँचाने के लिए, ये भी आपके लिए, इसके लिए थैंक यू। और सर आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया, बिल्कुल। बच्चे पूछ रहे हैं मेरे को कमेंट करके, एमडी सर से मिलाओ, एमडी सर कैसे हैं अभी, कैसा कर रहे हैं वो संकल्प भारत में? नहीं, हम लोग बहुत मतलब अच्छा ही कर रहे हैं और बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। एक्चुअल में जो भी कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, और जो जो चीज़ें हमें जो गैप देखने को मिले थे इस जर्नी के अंदर, और कोशिश है उन गैप को फिल करने की, तो बस गैप को फिल कर रहे हैं हम लोग और बहुत बढ़िया करेंगे, बस यही है बच्चों के लिए। तो बच्चों का जो प्यार है ना, ये इस सब को करने पर मजबूर कर रहा है, और कुछ नहीं। सर संकल्प भारत का आइडिया कैसे आया आपको? अच्छा, संकल्प भारत का आइडिया बस यही था कि जो हमारी जर्नी थी लास्ट टाइम की, तो उसमें कुछ गैप देखने को मिले, बस उन गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो गैप देखने को मिले वो मुझे भी मिले और मेरी टीम को भी मिले। ठीक है, तो बस हम लोगों ने देखा कि सबको वही गैप देखने को मिल रहे हैं, बच्चों को कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और बच्चों की समस्याएं बर्दाश्त नहीं होती, ये मतलब एक हमारा मेन वही है, मतलब बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो हम पूरी टीम ने डिसीजन लिया कि बच्चों के लिए कुछ करना है, बेटर करना है, तो यहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ हमारा। सर वीडियो में जब आप पढ़ाते हैं तो मैं आपकी जो स्माइल देखता हूँ ना, वो आज एक्चुअली मेरे को स्माइल देख के बड़ा अच्छा फील हो रहा है सर। नहीं नहीं, वो थैंक यू, वो तो आपका बस ठीक है, ये प्यार है सर बच्चों का, बस, जो बस, निकल बस, के आता है आपके अंदर से। नहीं नहीं, एमडी सर से तो बहुत सारी बातें अभी और करना है, अभी चलते हैं सर्वे सर के साथ। तो सर्वे सर मेरे साथ फिर से हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोटा सर जैसा कि सबको पता है नीट और जेईई प्रिपरेशन का एक हब माना जाता है, सर संकल्प भारत का क्या प्लान है कोटा को लेके? देखो यार, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को सबसे पहले काम क्या करना है, कि जैसे आप देखते हो कि किसी के यहाँ 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और सिर्फ 5,000 सेलेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब रेशियो कितना है? वो रेशियो बहुत बहुत छोटा है, पॉइंटों में जा रहा है कि 0 point something जा रहा है। सबसे पहले हमारा काम है कि ऑनलाइन में हम इस रेशियो को बढ़ाएंगे कि मैक्सिमम बच्चे को सेलेक्ट करा पाए। अच्छे बच्चे को तो सभी सेलेक्ट कराते हैं, तो हमारा एम है कि अच्छा बच्चा भी सेलेक्ट हो, जो एवरेज है या बिलो एवरेज है उसको भी सेलेक्ट कराएं। अब वो सेलेक्ट कैसे होगा, उसके लिए मेन है टीचिंग, कि हाँ भाई बहुत अच्छी टीचिंग करें, साथ में केयर करें, या एक ऐसा सिस्टम बनाए जो उन बच्चों पे फोकस रखे। तो उस सिस्टम को ही हम लोग बना रहे हैं। उस सिस्टम में क्या है कि जो एवरेज बच्चे हैं, बिलो एवरेज बच्चे हैं, उन पर सबसे ज्यादा फोकस है जेई और नीट के, और जो एवरेज से एवब है, मतलब जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो तो अपने आप भी अच्छा करते हैं और सिस्टम भी उनको आराम से करा ले जाता है, कोई भी सिस्टम उनके साथ आराम से करा ले जाता है, मगर ये जो बॉटम लाइन है उस पर फोकस हमारा सबसे ज्यादा है। और बात आई अब कोटा की, तो यार जैसे जैसे बच्चे डिमांड करेंगे, जब यहाँ पर रिजल्ट रेशियो बढ़ जाएगा तो फिर हम वहां पर भी आके ये कमाल दिखाएंगे और वहां पर भी रिजल्ट रेशियो बढ़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बच्चा कहेंगे वैसे करेंगे। बच्चों की डिमांड आएगी कि सर ऑफलाइन आइए, ऑफलाइन आएंगे। बच्चों की डिमांड आएगी सर कोटा आइए, कोटा आएंगे। बच्चे कहेंगे सर पटना आइए, कानपुर आइए, जहां कहेंगे वहां जाएंगे। और एम एक ही रहेगा, रिजल्ट रेशियो बढ़ाना, और ये इसी पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है कि रिजल्ट रेशियो बढ़े, क्योंकि पढ़ा तो सभी रहे, अच्छा सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मगर बात ये है कि उस अच्छे पढ़ाने से बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट कैसे डाला जा सके, तो बेस्ट इफर्ट डालने के लिए हम लोग इसी पर फोकस कर रहे हैं। और इसका एक बहुत अच्छा हम लोग का प्लान भी बन चुका है, उस पर हम लोग वर्क भी कर रहे हैं, और वो आपको दिखेगा 2 साल के अंदर, आपको ये बात दिखेगी कि यार कितने बच्चे हमने पढ़ाए और कितने रिजल्ट आए,
इसको बिल्कुल प्रॉपर डाटा देंगे, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नंबर बोल दिए कि हाँ यार इतने सिलेक्शन हो गए, ऐसा कुछ नहीं। वो पूरा लिखा मिलेगा, लिस्ट मिलेगी, जैसे लिस्ट आप कहीं देखते हो, नहीं देखते हो, बस शुरुआत के चार पांच नंबर की लिस्ट देखते हो, तो हम पूरी लिस्ट आपको देंगे और बताएंगे कि हाँ यार ये रेशियो कितना है, और उसी पर काम करेंगे और ऑफलाइन भी आएंगे। तो गाइस सर्वे सर का बर्थडे है सर, सबसे पहले आपकी हाँ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सब लोग कमेंट करके सर को बर्थडे को विश करना। हाँ बच्चों, और बच्चे बहुत सारे मैसेज कर भी रहे, तो उसके लिए बच्चों सभी को थैंक यू बहुत बहुत। अभी मेरे साथ है वीटी सर, आ जाइए सर, बाहर आ जाइए आप, तो अंदर ही छुपे हो सर। आप सर को डर हो रही है क्या सवाल आने वाला है अभी, इसलिए सर अंदर छुपे। थोड़ा बच के पूछना मेरे से, इनऑर्गेनिक पूछ लेते हैं। चलो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं। सर आपको भी मैंने ऑनलाइन देखा है, सर आप वीडियो में उतने अच्छे नहीं दिखते, बट सर आपको ऑफलाइन कुछ ज्यादा ही स्मार्ट दिख रहा है। संकल भारत को लेके क्या विजन है आपका? देखिए संकल्प भारत जो बना था ना, जब टीचर्स मिले थे, सबके मन बड़ा पवित्र था कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, तो सबने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। बहुत हो गया लाइव वीडियो, बहुत हो गया रिकॉर्डेड वीडियो, बहुत हो गया टेस्ट, बहुत हो गया ये सब सारी चीज़ें सब लोग कर रहे हैं, हम अलग क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को रियलिटी में क्या फ़ायदा पहुंचा पा रहे हैं? हम क्या वो एवरेज बच्चा जो गांव में रह रहा है उसका सिलेक्शन करा पा रहे हैं? ये सब सवाल हमारे सामने थे, और इन सब का ही सॉल्यूशन संकल्प भारत है। ये अलग है, अब बताता हूँ कैसे होगा। क्या कि हम केवल लाइव वीडियो करा के छोड़ेंगे नहीं, हम केवल रिकॉर्डेड वीडियो करा के नहीं छोड़ेंगे, हम केवल टेस्ट डाल के छोड़ेंगे नहीं। ये लाइव वीडियो किए कि नहीं किए, ये रिपोर्ट भी हमारे पास आनी चाहिए। ये इन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ा कि नहीं, ये रिपोर्ट भी हमारे पास आनी चाहिए। इनके टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं, भाई टेस्ट करा देना कोई बड़ी बात नहीं है। आज इंटरनेट पे इतना कंटेंट है, बहुत सारे पेपर्स पढ़े, और आपको पता है कोटा में एक बार बन चुका था 10 साल पहले, वही कॉपी पेस्ट चल रहा है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सब सब जगह, लेकिन उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाना बच्चों के लिए ये एक खास चीज है। ये बच्चों को चेंज ला पाएगा। अब सोच लो, मान लो हम 5 लाख लोग पढ़ा रहे हैं, अगर हम पर्सनल केयर नहीं दिए तो ऊपर के जो खुद कर सकते हैं वो तो कर लेंगे, जो बाकी लोग वो छूट गए ना, लेकिन वो मेहनती थे, लेकिन वो टैलेंटेड थे, उनके टैलेंट को उभारेंगे हम यहाँ पे। इस तरह से हम अलग कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, उनके नंबर को बढ़ाएंगे। रैंक तो हमें भी बनाना है, रैंक तो हमारे पास से भी आएंगे, लेकिन होगा क्या, जो लोग छूट जाते थे लेयर्स में, वो भी हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको कराएंगे और अच्छा कराएंगे, उनके रैंक में इंप्रूव करेंगे। सर एक चीज आपने बोला, रैंक बनाएंगे, हाँ, तो क्या आप रैंक बनाने के लिए पढ़ाएंगे या फिर एवरेज बच्चों को सिलेक्शन कराएंगे? इसका भी जवाब देता हूँ। रैंक अपने आप बनता है, हम सर लोग मिलके कोई रैंक अचानक से बनता नहीं है, वो बच्चे का पूरा जिम्मेवारी होता है। जैसे आप पूछोगे ना AR 1 to 10, वो किसी टीचर का नहीं होता, किसी कोचिंग का नहीं होता, वो खुद का रैंक होता है। हमारी तो गाइडेंस है ना, और क्यों नहीं हमारे पास से रैंक आएंगे? हमारे पास अच्छे बच्चे हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं, और हम उनके साथ और 3-4x एफर्ट लगा रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो रैंक आएगा फॉर श्योर। लेकिन जो एवरेज बच्चा है उस पर हमारा खास ध्यान है, स्पेशल फोकस है उन पे, क्योंकि वो उसका भीड़ बहुत ज्यादा है सर। हाँ, उसका परसेंटेज ज्यादा है, उस पे बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है, वही सब तो गैप्स हैं। इसी को कहते हैं कि कुछ चीजें आप कर रहे हो उसमें कमी लगती है, तो एक बदलाव निकल के आता है कि ठीक है इस कमी को भी पूरा किया जा सकता है। और हम सबका वही फीलिंग है यार, वो कमी फिल होगी, मेहनत करेंगे क्यों नहीं होगी, हर काम होगा, बच्चे भी मेहनत करते हैं, सिलेक्शन होता है, सब शुरुआत में लगता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, 1 साल आप मेहनत करो आपका भी होगा, हमारे साथ करो और अच्छे से होगा, ठीक है। अभी आते हैं आनंद सर के पास। सर इतना मायूस क्यों हो आप? मायूस नहीं बेटी सर, बड़ा मतलब इतना इमोशनली अटैच किया चीजों को ना, तो मैं बिल्कुल फील कर पा रहा था कि रियल में ही होता है। वीडियो में भी बहुत ज्यादा मायूस रहे सर, अरे क्या आए आपके अंदर इतना मायूस बनाता है आपको? नहीं नहीं, मायूस का तो कोई मतलब ही नहीं है, संकल्प भारत में हर एक चीज खुश होने वाला है, और बच्चों के साथ मिलके हम हमेशा खुश ही रहते हैं, तो मायूस का कोई मतलब ही नहीं है। आप थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं देख रहा था इसलिए मैंने बोला। सर आप क्या बच्चों के लिए संकल्प भारत के थ्रू लाने वाले हो? संकल्प भारत का हर एक स्टेप बच्चों को डेडिकेटेड है, हर एक स्टेप संकल्प भारत का। वो बच्चा जो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा फील किया, जिसे कमी की बात जो सबसे पहले सर ने की थी, मनीष सर ने,
वो कमी को पूरा करने का ही ये सब रास्ता है। सर्वेश्वर ने बताया रिजल्ट, एवरेज बच्चे को हम पढ़ाएंगे, बिलो एवरेज बच्चे को, कौन है वो बच्चा जिसे कि नहीं मिल पाया है कोई चीज़, जिसे कोई गैप जो है, एक डाउट डिस्कशन का ही गैप है, या फिर टेस्ट पेपर हमने दे दिया बच्चा सॉल्व क्या नहीं किया, उससे और कैसे हम कनेक्ट कर पाएंगे, जो ऑफलाइन वाला फील था उसे और ज़्यादा ऑनलाइन में कैसे ले पाएंगे, ये सारा कुछ करने के ऊपर ही हमारा डिस्कशन होता है और हम उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों को और ज़्यादा वैल्यू ऐड हो और बेनिफिट बच्चे को पहुँचे। तो गाइस अभी चलते हैं तरुण सर के पास, और तरुण सर देख रहे हैं स्माइल कितनी प्यारी है सर की। सर आपको भी वीडियो लेक्चर में देखता था और अभी साक्षात आपको मेरे सामने देख के सर मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है सर आपको देख के। मुझे भी आपके हाथ कांप रहे हैं पर। सर आपको लाइव पहली बार देख रहा हूं मैं। सर आप इतने सिंपल कैसे रहते हैं सर? मैं देखूं नहीं, सिंपल का ये है कि हम लोगों को समय ही नहीं मिलता। एक्चुअल में क्या है, टीचर जो होता है उसके पास खुद के लिए बहुत कम समय होता है और बैचेस पे बैचेस पढ़ाते रहते हैं हम लोग और समय बहुत जल्दी निकल जाता है। अगर मैं जेन्युइन आपको बताऊं, हमारे जितने भी साथ के टीचर्स हैं वो यही बोलेंगे कि 4-5 साल 6 साल 10 साल कब निकल गए पता नहीं चला। तो मतलब सिंपल का तो ये रहता है कि ज़्यादा का टाइम बच्चों के लिए जाता है तो ज़्यादा हम लोग सोच नहीं पा, हाँ बेसिक नीड हम लोग कर लेते हैं जो भी है, पर मतलब ज़्यादा समय वैसे ही चला जाता है हमारा। तो सर ऑनलाइन में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो नीट और जे का प्रिपरेशन कराते हैं, सर आप ये कहो संकल्प भारत क्या डिफरेंट करने वाला है? सर संकल्प भारत डिफरेंट क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो टीचर है, हम लोग टीचिंग करेंगे, लेकिन टीचर का एक और रोल होता है कि वो बच्चे को सही समय पे सही तरीके से गाइड कर दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो सही समय पे गाइड नहीं होते हैं ना तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम उस गाइडेंस को उस लेवल पर लेकर जाएंगे जहाँ पर बच्चे को साल भर मतलब मिस ना हो, क्योंकि जैसे हम जितने भी जगह पढ़ाते गए, मतलब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की जर्नी रही है, तो जब हम पढ़ाते चले गए ना तो हमने ये भी फील किया है कि टीचर बच्चों को अगर सही समय पर गाइड करे ना, और एक मोमेंट होता है हर एक बच्चे की लाइफ में, जैसे मान लो एक साल वो तैयारी कर रहा है ना, तो उस एक साल में कुछ एक पर्टिकुलर उसके मंथ होते हैं जहां वो बहुत परेशान होता है, अगर उसे वो गाइडेंस मिल जाए ना तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो यही मतलब हम लोग यहां पर करने वाले हैं बच्चों के साथ, मतलब उनको स्पेशल एक केयर करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा हम पहले भी कर रहे थे पर सब लोग पर्सनल लेवल पर कर रहे थे। मतलब क्या होता था कि जैसे मैं अपने बैच में कर रहा हूँ, MD सर अपना अलग कर रहे हैं, सर्वेश सर अपना अलग कर रहे हैं, तो जब हम अपने पर्सनल लेवल पर ये काम कर रहे थे तो हमने सोचा कि चलो एक टीम बना के इस चीज़ को ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। दूसरा क्या रहेगा कि मतलब एक विजन जो कंबाइन होता है ना, और वो फिर रिजल्ट आएगा उसका, क्योंकि अभी हम लोग जुड़े हैं, काम करना शुरू किया, लंबा समय तक काम करेंगे तो आएगा, मतलब अलग करेंगे डेफिनेटली, रिजल्ट भी अच्छे प्रोड्यूस करेंगे और साथ के साथ एक एवरेज बच्चे के लिए काम करेंगे, और ये मतलब ऐसा होगा कि बच्चा खो नहीं जाएगा। मतलब मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे 2 साल का कोर्स होता है ना कभी, तो उसमें बच्चा खो जाता है, तो वो नहीं होने देंगे मतलब बच्चे के साथ। सर कहीं ऐसा नहीं संकल्प भारत को लेके बिजनेस प्लान हो? वो तो बस पढ़ा तो सर अब हर जगह थे, इसमें कुछ अलग तो नहीं? हाँ अलग नहीं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैसे मान लो बिजनेस प्लान, जैसे हम लोग टीचर हैं मान लो, तो टीचर अगर हम जॉब कर रहे होते ना सिर्फ, तो पहले भी नहीं कर रहे थे जॉब, तो अभी भी जॉब मतलब हम, आप ये कह सकते हो कि मान लो हम कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा तो मतलब तब होता ना जब हम अपने प्रोमिसेस पूरा नहीं करते। लगभग 1-1.5 महीने में हमने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा दिया, लगभग दोबारा पढ़ा दिया, तो क्या हमने मतलब वो काम नहीं किया? तो बिजनेस तब ज़्यादा होता है कि जब हम, बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है। हाँ आता है, आ सकता है, लेकिन आप ऐसे समझो ना कि हम जब एक सिस्टम रन करते हैं तो हम कुछ पेड कोर्सेज लाते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन क्या पेड कोर्सेज का प्राइस एवरेज बच्चे के लिए है? ठीक है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा क्या हम मतलब उस प्राइस पॉइंट पर हर एक बच्चे को सर्व कर रहे हैं, उसमें क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि बच्चा सिलेक्ट हो जाए? तो अगर ये बिजनेस आप इस सेंस में बोलोगे तो मुझे तो नहीं लग रहा बिजनेस है, क्योंकि हमें टीम भी है हमारे पास ना बहुत सारी, तो उस सेंस में बिजनेस नहीं। हाँ हम ये बोल सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में मतलब जो हमारी कमाई होगी वो बच्चों का बिलीव होगा जो हम सिस्टम के थ्रू मतलब बिल्ड करेंगे, उस बिजनेस को शायद हम लेके जाएंगे। तो गाइज मेरे साथ हैं MSM सर। सर आप कब तो काफी लंबी है सर, मेरी हाइट तो ज्यादा है आपकी सर। अरे सर सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग, और आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, पता है बहुत डाउन टू अर्थ हो। मैं तो फर्श भी नीचे नहीं 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 आप बहुत, तो मेरे से भी ज्यादा नीचे हो सर, बट हाइट आपकी बहुत ज्यादा तो थैंक यू फॉर कमिंग हमारे छोटे से ऑफिस में। सर ये छोटा भले ही है बट इसका जो सर एक्सपोजर है ना ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है सर। अब आपने तो देखा ही हुआ है यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, देख हर कोई देखता है यूट्यूब में जितने भी टीचर्स हैं,
हमारा एम यहाँ पे ये नहीं दिखाना है कि हमें कितना आता है, सबसे पहली चीज हमारा एम ये है कि बच्चे को हम कितना सिखा पाते हैं। तो जैसे कि मैं तो जेई का टीचर हूँ, ठीक है ना, बाकी सर लोग नीट के भी टीचर हैं। तो हमारा जैसे कि जेई में क्या रहता है, हमारा ये रहता है कि बच्चे को एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाना है। हमें ये नहीं करना है कि बच्चों को सिर्फ एडवांस प्रॉब्लम्स कराए जा रहे हैं जिसमें कि बच्चों को लगे यार टीचर को तो बहुत आता है, लेकिन हमारे एम क्या है कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ दें, स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रॉब्लम सुने। जैसे कि सर हम लोगों ने अपना टेलीग्राम एकदम फ्री डाउट्स टेलीग्राम ग्रुप हमने खोल के रखा हुआ है, मतलब बच्चा कभी भी डाउट पूछ सकता है, कभी भी डाउट पूछ सकता है। 24/7 नहीं, सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 तक बच्चा डाउट भेजता है। और हमारी ये पूरी कोशिश रहती है, हम यहाँ पे कोई फालतू क्लेम नहीं करते कि हम 15 मिनट में डाउट बता देते हैं, कभी कभार टाइम भी लगता है बिकॉज़ हमारी गेम खेलने का क्या मतलब था आपका सर मतलब सर मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस मेन चीज ये है कि मतलब हम जो बोलेंगे यहाँ पे सच बोलेंगे, हम यहाँ पे भारत के बच्चों को सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे सर। तो वही चीज है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम टाइम में बच्चों के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएं, और बस हम बच्चों के लिए हैं। और ये बच्चों का प्यार है, आपने देखा कि पिछले एक मंथ में बच्चों ने कितना प्यार दिया, कितना ट्रस्ट किया। बस यही मेन चीज है कि हम ये मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं, कसम खाते हैं कि बच्चों का ये ट्रस्ट कभी भी नहीं ब्रेक होने देंगे और बच्चों के लिए दिन रात लगे रहेंगे, जैसा पूरी टीम लगी हुई है आप देख ही रहे हो। तो सर आपसे तो बहुत सारी बातें कर लिया मैंने, अब चलते हैं दीपक सर के पास। सर आप कैसे हैं? बस मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। चलिए बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। जैसे कि सर कोटा में तो बहुत सारी कोचिंग है जी। आपको ऑप्शन भी बहुत सारे कोचिंग से मिले होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आपने संकल भारत में ज्वाइन किया। ठीक है सर, कोई भी टीचर हो आना जाना लगा रहता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स में टीचर स्विच करते रहते हैं, बट एक्चुअली कहीं पर भी आप जब जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ का विजन, ठीक है। तो जब मैं सर लोगों से मिला तो मुझे बिल्कुल क्लियर हुआ कि सर लोगों का विज़न बहुत अच्छा है, बच्चों की बहुत अच्छी तरह से कैटेगरी होगी। तो मैंने तुरंत ये डिसीजन कर लिया कि मुझे सर लोगों के साथ जुड़ जाना चाहिए और संकल्प भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई मैंने संकल्प भारत को ज्वाइन किया जी। मेरे साथ है सुभाष सर। सर आपको बाल तो बड़े शानदार लग रहा है। बस बस बेटा बस ऐसा ही है कि सर ये दाढ़ी बड़ी नहीं कटवाते क्या आप, इतना बड़ी बड़ी। देखिए सब यही जैसा कि अभी तरुण सर ने बोला कि चीजें इतनी ज्यादा है करने के लिए, सब बच्चों के लिए करने के लिए, तो ठीक है जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन वो भी कटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। कैसा रहा सर? मैं आपको ऑफलाइन देखता था बट अभी आप सर सडन ऑनलाइन में आ गए, क्या क्या मतलब देखने को मिलता है सर, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप ऑनलाइन में, या फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहा ऑनलाइन? यार ऑफलाइन से ऑनलाइन स्विच करना एक मेरे लिए भी एक बड़ा टास्क था, जैसा कि आप समझ रहे हो कि ऑफलाइन से ऑनलाइन आया तो क्या हुआ, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क था। मैंने काम किया उस पर और काम अच्छा हो रहा है, बच्चे पसंद कर रहे हैं और इसे देख कर मेरे अंदर पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। और ये जो पसंद करते हैं ना बच्चे, यही हमारा एक मोटिवेशन बनता है कि आने वाले टाइम में हम जो काम करें वो अपनी फुल लगन से करें। प्लेटफॉर्म ऑफलाइन हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन एक टीचर के लिए उसकी बातें उसका ज्ञान, बच्चों के लिए उसका डेडिकेशन, वो हमेशा सेम रहेगा। तो हम एक डायरेक्शन ही दे सकते हैं, जैसे पानी है, पानी का फ्लो कहीं भी हो ना तो वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन पानी का फ्लो सही डायरेक्शन में हो तो सही खेतों में पहुंचकर पौधे उगा सकते हैं। तो ये एक चाहिए चीज है कि हम यहाँ डायरेक्शन फुल देने वाले हैं, अपनी चीजों को बहुत क्लियर वे में बच्चों तक पहुंचाने वाले हैं, और यही एक विजन के साथ संकल्प साथ जुड़ा हूं और आगे भी मैं जुड़ा रहूंगा और बहुत अच्छा काम करता रहूंगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर।